आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जहाजी कोरमे की। बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में तो ये बहुत ही मजा आता है, इसे खाने में, बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम की एक पीस ली है, बोनलेस बोन के साथ है। आप चाहें तो पूरी बोनलेस भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से गलने के लिए, चूंकि ये एक पीस है 400 ग्राम की, तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और फोक लगाएंगे इसमें अच्छे से। तो हम मसालों में सबसे पहले हम डाल रहे हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 टीस्पून ये अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून ये काली गोल मिर्च का पाउडर है, इसे हम डालेंगे। और इसमें हमें फोक लगाना है, ये तीन चीज डाल के हम इसे अच्छे से फोक लगाएंगे। काली मिर्च का पाउडर मैं 1/2 टीस्पून डाली हूं और टोटल मैंने 1.5 टीस्पून यूज किया है। इसमें काली मिर्च और अदरक का जो फ्लेवर आता है बहुत ही मजे का आता है। और ये सारी चीजें डाल के इसको अच्छे से हम हाथों से मिक्स करेंगे और फिर फोक लगाएंगे कि इसमें मसाले अंदर तक अच्छे से चले जाएं। अदरक, नमक, काली मिर्च के साथ बहुत ही अच्छे से फोक लगाने के बाद हम इसमें हम दही डालेंगे। 200 ग्राम के दही है और दही डाल के भी हम इसे फिर से फोक लगाएंगे। दही में अच्छे से फोक लगाने के बाद से मटन को हम 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और इसे मिक्स कर देंगे। मैरिनेट किए हुए मटन को हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए और ओवरनाइट के बाद हम इसे बना के दिखाएंगे। तो कम से कम आप इसे ओवरनाइट जरूर रखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 8 घंटा तो इसे आप जरूर रखेंगे। तो इसको मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट रखने के बाद से मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसके साथ कुछ मसाले हम लेंगे। छोटी सी मीडियम साइज की प्याज को मैंने ऐसे रफली काट लिया है और यहाँ पे हम एक तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च, एक काली, 2 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4 लौंग और कुछ दाने गोल मिर्च के, जैसे इसे बनाना शुरू करते हैं। और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। कुकर लिए हैं और यहाँ पे हम 4 टेबलस्पून रिफाइंड डाल रहे हैं। रिफाइंड या आप घी में भी इसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं रिफाइंड यूज कर रही हूँ। सारे साबुत मसाले को इसमें डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसे तेल में अच्छे से हम पकने देंगे। अब हम एक प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है और अब हम मैरिनेट किया हुआ जो मटन है उसे हम ऐड कर देंगे। कटोरे में जो ग्रेवी है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/2 कप के करीब और इसे हम ऐड कर देंगे। कुकर का कवर लगा दिए हैं, मटन को अच्छे से हमें गला लेना है। तो हम अभी शुरू में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, फिर हम सिम कर देंगे। गैस का फ्लेम सिम कर देंगे और सिम पे हमें मटन को अच्छे से गला लेना है। सिम पे इसे 10 मिनट हो गए हैं गलते हुए, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। जहाजी कोरमे के लिए हमने ने कुकर खोल लिया है और देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है। अब इस पानी को हमको सुखा लेना है। बहुत अच्छे से देखिए भुना गया है और तेल भी ऊपर आ गया है।
जहाजी कोरमा बनकर रेडी है, आइए इसे सर्व करते हैं। जहाजी कोरमा बनकर रेडी है, तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।